आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज डॉक्टर अमन अपनी पहली इनिंग्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन वो आउट नहीं हुए, बल्कि अब उनकी दूसरी इनिंग्स कल से शुरू हो रही है, 1 मार्च से। मैंने भी ये इनिंग्स खेली, पहली इनिंग्स, और दूसरी इनिंग्स अभी खेल रहा हूँ, आउट नहीं हूँ। यही मुझे कहना है कि डॉक्टर अमन, आज इस कुर्सी पे आपका आखिरी दिन है, लेकिन इसके बाद की जो कुर्सी है उसको आपने खेलते ही जाना है, खेलते ही जाना है। ऐसा हिट मत मारिएगा कि आपको कैच आउट किया जाए, नहीं, बल्कि खेलते रहिएगा एक अच्छे बैट्समैन की तरह, रन पे रन करते जाइएगा, छक्के चौकों की बरसात कर लें। डॉक्टर अमन बहुत ही प्यारा ऑफिसर है। मुझे याद है कि जब मैं 27 मई 2005 को प्रसार भारती से रिलीव होकर सेक्रेटरी कल्चर एकेडमी के लिए आया, तो एयरपोर्ट पे मुझे डॉक्टर जावेद राही, जो बहुत ही बढ़िया आदमी है, बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है, लोग उसको गलत समझते हैं, दरअसल उसका तरीक़ा जो है, जो उसका बोलने का फ़न है, उसमें बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आई हैव फाउंड हिम एन एक्सलेंट पर्सन एट पार। लोगों ने कहा कि वही आपकी शिकायत करके इधर उधर जाते हैं, डजेंट मैटर, हाउ डज इट मैटर, सर्विस कैरियर में ऐसी बातें आती रहती हैं। डॉक्टर अमन, मुझे याद है कि जब मैं सिद्रा में, मुझे जो घर मिला, तो रात को पकाने के लिए कुछ नहीं था, आपने घर से अपना गैस चूल्हा, गैस की वो कनेक्शन, सब कुछ लाया, रात को मेरे घर में खाना बना। ये चीज़ें भूलने वाली नहीं होती हैं। और जब भी मुझे कभी लगता कि मैं इधर उधर जाऊं, आप अपनी गाड़ी लेके आ जाते थे और मुझे ले जाते थे। आपके भाई साहब से मुलाकात हुई, आपकी मदर से मुलाकात हुई, इतने अच्छे थे वो लोग, क्यों ना हो अच्छे, होनहार बढ़वा के चिकने चिकने बात, आप खुद अच्छे हैं, आपके माँ बाप अच्छे थे, बहुत अच्छे। रहा सवाल अफसरी का, ऑफिस में, कल्चरल एकेडमी को मैंने बहुत ही सेंसिटिव ऑफिस पाया है, बहुत ही सेंसिटिव, और इसमें हर कोई कामयाब होकर नहीं निकलता है। मैं अल्लाह का, वाहिगुरु का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज भी लोग मुझे झुक कर सलाम करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, पीठ पीछे भी अच्छा बोलते हैं। ये मुझे खबर आती है रोज़, जम्मू में, लद्दाख में, मैं पलजोर से भी बात कर रहा था 2 दिन पहले, मैं उत्सव से बात कर रहा था, उत्सल से बात कर रहा था, और श्रीनगर में तो मैं रोज़ देखता रहता हूँ। मेरे ख्याल में डॉक्टर अमन, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि अब आप अपने पीछे कुछ ऐसी यादें छोड़ के जाते हैं कि आपको लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया है, और जब आप सोचते हैं कि मैंने अच्छा किया है तो ज़रूर अच्छा होता है। इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, तो उसका मतलब धन्यवाद, थोड़ा वड्डा वड्डा शुक्रिया पराजी, कि तुसी साड़ी ज़िंदगी बड़ी आसान बना दिते, और तानू वड्डी वड्डी ख्वाहिशात, वड्डी वड्डी नेक ख्वाहिशात, आशीर्वाद भी आपके ऊपर, कि आप जहाँ जाएँ खुश रहें, खुशहाल रहें। अब जो हमारी जो बहू है ना, आपको बेटा बोलता हूँ, अब वो बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि अब आप 24 घंटे में कम से कम 17-18 घंटे उनके पास तो रहेंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, आज 28 फरवरी है, कल 1 मार्च है, 1 मार्च को भी सुबह उसी वक्त तैयार होकर निकलिए, कोट पैंट टाई टू जो भी आप पहनते हैं, निकले, आप घर में बैठ गए तो बैठ ही गए, ये मेरा मंत्रा है, ये मेरा टेक अवे है रिटायरमेंट के बाद का, बैठिएगा नहीं, क्योंकि जो बैठा वो बैठा ही रह गया। हाँ, कहाँ जाएंगे, इतनी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी है, लिखना है, पढ़ना है, दोस्त हैं, अहबाब हैं, अपने, ये मेरी बहू को लेके जाइए, घूमिए घामिए, लेकिन उसी तरह निकलिए घर से बाहर जिस तरह आप 28 को निकलते थे, 1 को भी,
मेरी तरफ से बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात, आशीर्वाद, खूब खुश रहें, फलें फूलें, और आपका जो मेरे ऊपर जो एहसानात हैं मेरे छोटे से करियर में कल्चर अकेडमी में, आपका क्या, सबका, जो चले गए हैं उनका भी, जो भी हैं उनका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे हमेशा मोहब्बतें दी, ख्वाहिशात नेक थी आपकी, और मैंने भी कोशिश की कि मैं आपके तवक्कात पे, आपकी आशाओं पर, आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरूं। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक।